जनाब खुश आमदेद कहते हैं आपको इस सेगमेंट में। हमारा नातिया मुकाबला शान मदीना जिसमें तीन सनाखा हमारे साथ मौजूद होते हैं और हमारा जो अगले राउंड के लिए जो क्वालिफाई करते हैं वो दिलपसंद नात खां करार पाते हैं जिनके लिए बम्पर कैश प्राइज़ है दिलपसंद की जानिब से, और आज भी जो सेकंड और थर्ड पोजीशन होल्डर्स होंगे उनके लिए भी दिलपसंद की जानिब से, दिलपसंद स्वीट्स की जानिब से 5,000 रुपीज़ ईच के कैश प्राइजेस भी हैं। हमारी आज की पहली सनाखा है और जज साहिबान मौजूद हैं, जनाब खारी भाई ज़बर कासमी साहब, जनाब सिद्दीक़ इस्माइल साहब, जनाब सबीउद्दीन रहमानी साहब, और इंशाल्लाह हम फिर कुछ लम्हों में जनाब खारी भाई ज़बर कासमी साहब से कलाम भी सुनेंगे इंशाल्लाह। तो आज की हमारी पहली सनाखा है सैयदा शईरा, बिस्मिल्लाह आइए। कुएं में सेल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, सुभान अल्लाह, किसी और का ये रुतबा कभी जज़ाकअल्लाह। हसान साहब आइएगा, हसान निज़ामी है हमारे अगले सनाखा, ताल्लुक़ है आपका कराची से, जिस कलाम का उन्होंने इंतखाब किया है, आज अश्क मेरे नाथ सुनाए तो अजब क्या। जी हसान बिस्मिल्लाह। आज अश्क मेरे नाथ सुना आजब क्या, आज अश्क मेरे नात सुनाए तो आजब क्या, सुनकर वो मुझे पास बुला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो आजब क्या, सुनकर वो मुझे पास बुला चश्मे तमन्ना, दीदार के काबिल, दीदार के काबिल तो नहीं, चश्मे तमन्ना लेकिन वो कभी
तो आजब क्या, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो आजब क्या, आजब क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकअल्लाह। ज़ोहा जुनेद आइएगा, जो कि हमारी आज की आखिरी सना है। जी ज़ोहा, बिस्मिल्लाह। जज़ाक अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए आइए जनाब, क्या कहिएगा सभी भाई, एक उमूमी तज़िया दे दें। तीनों बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ों के मालिक, बहुत अच्छा पढ़ने वाले, लेकिन मैं रोज़ एक बात मुकाबले में ख़ास तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला लफ्ज़ अदा करते हैं ना आप पढ़ने के लिए, बोलते हैं तो पहला लफ्ज़ बहुत जमा हुआ होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, किस लफ्ज़ से आपने आगाज़ किया। अगर वो आपने मुँह में रखा, वाजे नहीं हुआ, तो फिर मज़ा नहीं आता बेटा। आगे आप कितना अच्छा पढ़ के दिखाएं, कमज़ोर वीक तासर पहले आपका हम सफ़र हो जाता है। सही है। लिहाजा हर मरतबा पढ़ने में आगाज़ में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं उनका बहुत एहतियात से इस्तेमाल कीजिए, और जब आप ख़त्म कर रहे हैं धुन को, कलाम मुकम्मल कर रहे हैं, जब भी कमज़ोर नहीं छोड़ना आपने, आखिर वक्त तक उसको मुकम्मल अदा करके निकलना है। लेकिन आज माशाल्लाह जो भी इस काम में पूरा उतरा, और जिसने एक एक नोट सही लिया, और जिसने एक एक लफ्ज़ को सही तरीके से अदा किया, और
उसमें कोई घबराहट नहीं थी, कोई परफॉर्मिंग आर्ट नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ ये था कि रचाओ के साथ एक चीज़ मुंतकिल हो रही है। बेटा पढ़ने में, नात पढ़ने में कैफियत और सही तौर पर आवाज़ का, गले का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। आप सबकी आवाज़ें खूबसूरत हैं माशाल्लाह, और तीनों ने कमाल पढ़ा है, लेकिन ज़ाहिर है किसी एक को नंबर देने हैं तो उसी बुनियाद पर हो। सही है, पहला तासुर, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, पहले जुमले में क्लैरिटी होनी चाहिए, पहले लफ्ज़ से ना तासुर समाप्त बनना शुरू हो जाता है। सही सही, आपने क्या कहा। सही, अगर वो भी कच्चा जाएगा तो फिर वो अब सोचेगा वो क्या कह रहे हैं। हाँ, जितनी देर में आप ये तासुर बनाएंगे क्या कह रहे हैं, तो वो अगले मिसरे पे पहुंच। सही है, बिल्कुल। जय सिद्दीक भाई। माशाल्लाह, मैं भी सभी भाई की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जब इब्तिदा की जाए और पहला मिसरा उसका पहला इस समझ में ना आए तो आगे। और दूसरी बात यह है कि जब आप इब्तिदा करते हैं अस्थाई, तो आप ये देख लें कि उस लेवल से आप उसका आगाज करें कि आप उसके अंतरे को भी निभा सकेंगे या नहीं। सही है, जी हाँ, जी लेवल तक जा सकेंगे या नहीं, सही। ये बहुत जरूरी है। बहरहाल ये कबीला हसान के बच्चे हैं, हैं? वाह वाह, अल्लाह ताला इनको जजाए खैर अता फरमाए। हम क्या दे सकते हैं, बेशक बेशक, हैं? ये तो बज़ाहिर है, सही, लेकिन है। मेरे आका की बारगाह से तो इनके लिए बहुत बड़ा अजर है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। माशाल्लाह, मैं ये कहूँगा कि तीनों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा है माशाल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने हुजूर की शान में गुलाह अकीदत यहाँ खड़े होकर पेश किए। और बच्चियों से मैं कहूँगा, दोनों बच्चियों से, कि आपने अस्थाई तो बहुत अच्छी निभा ली अच्छी तरह से, लेकिन अंतरे में सही तौर पर आप दोनों नहीं निभा पाई, तो आपको अंतरा, बिल्कुल सिद्दीक भाई ने बिल्कुल सही कहा है, सही है, सही, अंतरे में थोड़ा सा उसको मजबूत नहीं था, वो सही तौर पर अदा नहीं किया गया। सही है। बहरहाल जो हसन निज़ामी हैं, इनके लिए मैं कहूँगा कि बड़े अच्छे अल्फाज, सब अच्छे अल्फाजों में इन्होंने जिस तरह से पढ़ा है, सही है, जिस तरह जमा कर सुकून के साथ सजा कर लफ्जों को, तो बहुत अच्छी तरह से बड़े सुकून के साथ एतमाद के साथ पढ़ा। जज़ाकल्लाह। ठीक, कारी साहब हमें कोई कलाम सुनाइए ना, मैम इसके बाद फिर हम नतीजा अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم نہ کہیں سے دور ہے منزل سبحان اللہ نہ کہیں سے دور ہے منزل نہ کوئی سبحان اللہ قریب کی بات ہے جسے چاہے اس کو حبیب کی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جسے چاہا در پہ بلا لیا سبحان اللہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا
सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह। मैं पुरों से लाख मैं बुरों से लाख बुरा मगर उनसे है मेरा वास्ता, मेरी लाज रख ले मेरे हाय 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 खुदा, सुभान अल्लाह। ये तेरे हबीब की, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हबीब क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहना है। ये कारी साहब किन का कलाम है, ये मुनव्वर बदायूनी साहब, क्या कहना है। मुनव्वर बदायूनी साहब का कलाम है और इसको मैंने बहुत पहले पढ़ा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो इसका वो क्या शेर है वैसे अगर बता दें, वो भटक के राह से वो भटक के राह में रह गई, हाँ वो भटक के राह में रह गई, हाँ ये मचल के दर से लिपट गई, हाय हाय हाय, वो किसी अमीर की शान थी, हाँ ये किसी गरीब, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान, वाह वाह जनाब। तो बस अब मैं वही जो रोजाना कहता हूँ कि एक रस्म है इसमें भी, बदामी भाई इसका एक और भी बड़ा खूबसूरत शेर है, वो क्या, वो खुदा नहीं वो खुदा नहीं, हाँ हाँ हाँ, वो मगर खुदा से जुदा नहीं, जुदा नहीं वो है क्या मगर वो है क्या नहीं, ये मोहिब हबीब की, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, मोहिब हबीब की बात है, क्या कहने हैं। ये चूंकि यहाँ टाइम कम होता है, जाहिर है दो शेर, दो शेर पड़े हैं बाकी पूरी नहीं पड़ी है, जाहिर है तशने की रह जाती है, लेकिन जजाकल्ला जजाकल्ला। तो जनाब बस मैं इसे बताया, तो हमारे दिल पसंद जो नाथ खां करार पाएंगे और जिनके साथ सफ़र जारी रहेगा, वैसे बताया जैसे साहबा ने शानदार पढ़ा है तीनों ने, तीनों में माशाल्लाह तक कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर आके कलाम पढ़ना है, सरकार का जिक्र कर रहे हैं, तो ये मैं वादा लेकर जाता हूँ यहाँ आने वाले हर बच्चे से कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें कोई पोजीशन वाला मामला ही नहीं है, आप लोगों ने इस काम को जारी रखना है, जहाँ जहाँ जब जब मौका मिले सरकार की सना करनी है हमेशा, ये आप लोगों ने वादा कर लिया सबके सामने, ठीक है ना जना। तो हमारे जो कंटेस्टेंट जो कंटिन्यू करेंगे उनका नाम है हसन निज़ामी, लेकिन सईदा शहीरा बहुत ज़बरदस्त जोहा, बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने और आप सबका है, तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। दिल पसंद के कैश प्राइजेस हैं 5000 ईच फॉर द रनर्स अप, और जो विनर है उन्होंने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया है, जिनके लिए भी दिल पसंद की जानिब से बम्पर प्राइस है जो फाइनल के विनर होंगे। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं सिर्फ एक्सेल नेकी के साथ।